साधु साधु। नमो बुद्धाय। पुण्य से मिलने वाले सुंदर लाभ के बारे में बता देंगे। पुण्य से उत्पन्न होने वाले सुंदर लाभ यानी कि पुण्य का फायदा के बारे में। ये पुण्य बहुत आश्चर्य चीज है। पुण्य के बारे में हम लोगों को कौन बताते हैं? तथागत भगवान बुद्ध जी बताते हैं। पुण्य करने वाले लोगों को मिलने वाले सुख संपत्ति के बारे में भी तथागत हम लोगों को बताते हैं। ये पुण्य का आश्चर्य अद्भुत रहस्य तथागत भगवान बुद्ध हम लोग को दिखाए हैं। जो कोई पुण्य करेंगे तो उनको जरूर सुख संपत्ति प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य का और एक आश्चर्य चीज है, वो क्या है? पुण्य करने के बाद सुख संपत्ति प्राप्त होता है ना, वो संपत्ति और किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ उन्हीं को मिल जाता है। कमाल है ना। जो कोई पुण्य करता है उसको ही सिर्फ सुख संपत्ति प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बताया, अगर किसी को सुंदर रूप मिल गया तो वो भी पुण्य का फल है, तथा किसी को सुंदर आवाज मधुर आवाज प्राप्त हो गया तो वो भी पुण्य का फल है, और किसी को सुंदर शरीर मिलता है, जितना लंबा है उतना चौड़ा सुंदर शरीर मिल जाता है, वो भी पुण्य का फल है, और किसी को समाज में अच्छा जगह मिल जाता है, समाज के लोग इज्जत सत्कार सम्मान करते हैं, या तो फिर परिवार संपत्ति मिलता है, दोस्त बहुत सारे परिवार मिल जाता है, वो सब कुछ पुण्य का फल है। किसी को लंबी उम्र मिलता है, किसी को स्वास्थ्य शरीर मिलता है, और किसी को सुंदर आंखें मिलता है, और कोई लोग पढ़ाई करने में तेज है, अलग अलग क्षमता अलग अलग शक्ति प्राप्त हो जाता है। किसको? जो पुण्य करता है उसको। देखिए पुण्य का आश्चर्य, पुण्य का फल कितना आश्चर्य है। भगवान बुद्ध ने बताया, गांव में या शहर में कोई व्यक्ति अगर नेता बन गया तो वो भी पुण्य का फल है, तथा राज्य में कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो भी पुण्य का फल है, या पूरा देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे तो वो भी पुण्य का फल है, तथा चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे तो वो भी पुण्य का फल है। अगर जो कोई व्यक्ति मरने के बाद देवताओं के पास जन्म लेंगे तो वो भी पुण्य का फल है। तो भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्य करने वाले लोग मरने के बाद देवताओं के पास जन्म लेते हैं, या तो फिर पुण्य करने वाले लोग मरने के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, जो कुछ सुख है तो वो सारे सुख संपत्ति भोग सकता है। किसको? जो पुण्य किया है उनको कर सकता है। जिसको दिव्य लोक में जितना सुख संपत्ति है वो सारे सुख संपत्ति भोग सकता है पुण्य करेगा तो। ऐसा है तो ये सारे सुख संपत्ति प्राप्त होता है पुण्य का फल से, और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए पुण्य करने वाले लोग इकट्ठा हो गया तब भी अलग अलग प्रकार से सुख मिलता है ना। उसी जगह पे अगर कोई लोग पुण्य कम है तो उन लोगों को कम पुण्य का फल प्राप्त होता है, सुख कम मिलता है। ज्यादा लोग पुण्य किया है तो उन लोगों को सुख ज्यादा है। तथा इससे भी ज्यादा आश्चर्य बात क्या है, तथागत
भगवान बुद्ध ने बताया, अगर जिस व्यक्ति ध्यान करेंगे तो उसी ध्यान के कारण उस व्यक्ति का मन शांत हो गया तो मन शांत होता है पुण्य का फल से। क्या हुआ? पुण्य का फल से ध्यान करने का मन करता है तथा ध्यान करते समय मन समाधि में आता है तथा किसी को आराम से ध्यान के लिए बैठने का तरीका आएगा तो वो भी पुण्य का फल है। सारे लोगों को ध्यान नहीं कर सकता है, समाधि में सारे लोग का मन नहीं आता है, पुण्य का फर्क। और सारे लोगों को यौन सुमनस्कार कर सकता है क्या? ज्ञान से मनन नहीं कर सकता है। ज्ञान से मनन करेंगे तो वो भी पुण्य का फल है। ऐसा है तो योनिसु मनसिकार के लिए क्या सहायता होता है? पुण्य। ऐसा है तो पुण्य करने वाले लोगों को बहुत मुश्किल से मिलने वाले योनिसु मनसिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञान सुनते समय बिना झुकनी मार के रहने के लिए भी क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। तथा भगवान बुद्ध ने बताया, किसी को ध्यान करते समय बहुत बलवान समाधि प्राप्त होता है, मन एकदम अटल है, एकांत है, वैसा समाधि प्राप्त होता है, वो भी पुण्य का फल से। अगर किसी को सोतापन्न होने का मौका मिल गया तो वो भी पुण्य का फल है। आश्चर्य बात क्या है, अरहत प्राप्त होता है ना, वो भी पुण्य का फल से होता है। तथागत भगवान बुद्ध ने बताया, प्रत्येक बुद्धत्व को प्राप्त होता होगा तो वो भी पुण्य का फल से ही प्राप्त होता है। जो कोई सम्यक संबुद्ध बन जाएंगे तो, तथागत भगवान बुद्ध बन जाएंगे तो, उतना सबसे उत्तम चीज को प्राप्त करेंगे तो वो भी किए गए पुण्य के पुण्य की फल से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा है तो ये पुण्य देवता तथा मानव का कल्याण के लिए ही होता है, हित सुख के लिए होता है। इस प्रकार हम लोग पुण्य के बारे में सब कुछ समझ कर पुण्य के बारे में बहुत बहुत ज्ञान सुनेंगे तो सारे लोग पुण्य के बारे में, पुण्य करने के बारे में प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी पुण्य करने के लिए अप्रसन्न नहीं होगा, इसलिए हम लोग पुण्य करने के बारे में सीखना चाहिए, पुण्य के बारे में और सीखना चाहिए, पुण्य करने के लिए पसंद करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ये पुण्य करने के बारे में, और पुण्य भी फर्क होता है ना, कि जिस प्रकार पुण्य करते उसी प्रकार फल पा सकते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की पुण्य करने का मौका आ गया तो हाथ से चुटने मत दीजिए। वही सदैव आप लोगों के साथ रहेगा, हर पल हर कदम आप लोगों के साथ, आप लोग का परछाई जैसा आप लोगों को सुरक्षा करेगा। बारिश से बचने के लिए लोग छाता ले जाता है, वैसा आप लोगों को सांसारिक दुखों से बचाने के लिए पुण्य आ जाता है। तो ये पुण्य निरंतर आप लोग करते रहेंगे तो याद रखिए, ये जीवन थोड़ा मोड़ा कष्ट से बीत जाएगा, लेकिन भविष्य में कोई चिंता दुख नहीं है। इसलिए याद रखिए, पुण्य करने का चांस मिल गया तो छोड़िए मत। हम लोग किसी को मदद कर दान देते हैं, कोई भिखारी को भी देते हैं, संत को देते हैं, भगवान बुद्ध के शिष्य संत को देते हैं, फर्क होता है ना, लेकिन खर्च एक ही है। इसका मतलब दिमाग
इस्तेमाल करके पुण्य करना चाहिए। इसीलिए आप लोग भी इसी प्रकार पुण्य करके, जितना आप लोग पुण्य करने का मौका आता है उसी मौका हाथ से जान मत दीजिए। हर पुण्य को अपना कर आप सभी लोगों को पुण्य से भरे हुए खूबसूरत जीवन बिताने के लिए आप सबको भाग्य मिल जाए।